नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दुपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आज सातम भूकंप स्मृति दिवस, देश भर विविध चेतनामूलक कार्यक्रम का मनाओल जा रहा है। आब वाला विश्वास 30 गति होब जा रहा स्थानीय तो निर्वाचन के लिए आज सेहो मनोनयन दर्ता जारी। उम्मीदवार के नामावली आज हुए कल जात प्रकाशन। निर्माण सामग्री में भेल मूल्य वृद्धि के कारण निर्माण व्यवसाय महासंघ द्वारा कल गए निर्माण होली जे जारी। अविलंब समस्या समाधान करक लेल महासंघ के लखमा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने इमैनुअल मैक्रो फेर से भेलन निर्वाचित। अनुमान से बेसी मत प्राप्त करे में भेलन सफल। आ इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल T20 क्रिकेट में मुंबई इंडियंस के भेल लगातार 8 हार। पूरा समाचार। आज सातम भूकंप स्मृति दिवस, देश भर विविध चेतनामूलक कार्यक्रम का मनाओल जा रहा है। दिवस के अवसर में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी विपद जोखिम न्यूनीकरण के लिए कैल जाय वाला पूर्व तैयारी एवं सुरक्षात्मक उपाय के संबंध में समुदाय स्तर में सचेतना अभिवृद्धि केनाई जरूरी रहल बतौलन। राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी संदेश में विपद के समय में अपनाव पड़े वाला सुरक्षात्मक उपाय समुदाय स्तर धरि पहुँचाव में संघीय तथा प्रदेश सरकार आ स्थानीय तह के अहम भूमिका रहल उल्लेख कयल गेल। राष्ट्रपति भंडारी गोरखा के बाड़पाक केंद्र बिंदु भक 2072 साल वैशाख 12 गते भेल विनाशकारी भूकंप आ ओय के बाद भेल पराकंपन सब में पड़ के मृत्यु भेल नागरिक सब प्रति भावपूर्ण श्रद्धा सुमन समेत व्यक्त कयलन। तहिना दिवस के अवसर में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा विगत के भोगाय आ अनुभव से पाठ सीखत आब वाला दिन सब में भूकंप जेहन प्राकृतिक विपद से भ सके वाला क्षति के न्यूनीकरण केनाई, भूकंप के असर से हो सक वाला भौतिक संरचना निर्माण केनाई अति आवश्यक रहल बतौलन। आब वाला विषयक 30 गति होब जा रहा स्थानीय तह निर्वाचन के लिए आई सेहो मनोनयन दर्ता जारी है। रवि दिन से शुरू भेल मनोनयन दर्ता आई सांझ 5 बजे धरि जारी रहत। निर्वाचन आयोग जनौलक छूटल दल तथा स्वतंत्र व्यक्ति सब फॉर्मेलिटी पूरा कक आई मनोनयन दर्ता क सकत। देश भर के 753 स्थानीय तह के प्रमुख से लक वार्ड सदस्य के पद धर के लिए दलगत आ स्वतंत्र रूप में समेत मनोनयन पत्र दर्ता भ रहा है। 753 में से 6 महानगरपालिका, 11 उपमहानगरपालिका, 276 नगरपालिका आ 460 गाँवपालिका है। सबटा तह में प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आ सदस्य पद के लिए मनोनयन भ रहा है। मनोनयन दर्ता के काज संपन्न भेलाक बाद आइए सांझ उम्मीदवार सब के नामावली प्रकाशन करबाक कार्यतालिका रहल निर्वाचन आयोग जनौलक। रवि दिन 10,533 गोटे उम्मीदवारी दर्ता करौलक निर्वाचन आयोग जनौलक। उम्मीदवारी दर्ता के क्रम में आचार संहिता के पालन में आयोग राजनीतिक दल सब से अनुरोध कलक। स्थानीय तह निर्वाचन में महिला के समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करक लेल महिला गैर सरकारी संस्था महासंघ मांग कलक। नेपाल के संविधान के धारा 38 के उपधारा 4 राज्य के सबटा निकाय में महिला के समानुपातिक समावेशी सिद्धांत के आधार में सहभागी होबाक हक देने। आब वाला विशाख 30 गते होब जा रहा स्थानीय तह के निर्वाचन में राजनीतिक दल सब गठबंधन बनाकर उम्मीदवारी मनोनयन कर रहा है। दल सब में स्थानीय तह में मेयर, उपमेयर एवं अध्यक्ष आ उपाध्यक्ष दोनों में पुरुष के मात्र उम्मीदवार बनेबाक संभावना बढ़ गेल। नेपाली कांग्रेस के नेता डॉक्टर डीला संग्रौला महिला के समानुपातिक प्रतिनिधित्व होब पड़बाक विषय में पार्टी के प्रतिबद्ध होब पड़त बतौलन। टिकट वितरणमा हामी छैनौ, हामी लबिङ गर्ने दबाब गर्ने मात्रै छौ। त्यसैले गर्दा आज तपाईले जुन चिन्ता चासो व्यक्त गर्नुभएको छ, यो चिन्ता र चासो हाम्रो चिन्ता र चासो हो। त्यो चिन्ता र चासोलाई पार्टीसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। तहिना संविधान में उल्लेख कयल गेल अनुसार महिला सहभागिता होबाक चाही कहत गठबंधन के संस्कार के कारण लैंगिक समावेशिता के मुद्दा असमंजस में पड़ गेल नेकपा एमाले के नेता रचना खड़े। पार्टी तरफ फर्किएर संविधान
भएको महिलाहरुको व्यवस्थाका प्रति पार्टीहरुले के गरिरहेका छन् भनेर हेर्यौं भने आज पनि दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ के हो भने आज पनि पार्टीहरुले महिलाको प्रतिनिधित्वको विषयलाई संविधानमा लेखिदिएको बाध्यताको भारी ठान्न छाडेका छैनन्। यो सत्य हो, यो कुरा सत्य हो र त्यो कुरा कार्यान्वयन नगरिकन सुख पनि छैन, यो पनि सत्य हो। महिला के समानुपातिक प्रतिनिधित्व के लेल संविधान के धारा उल्लेख कैल गेलाक बावजूदो प्रभावकारी रूप से कार्यान्वयन नहीं भ सकल। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघ निर्माण सामग्री में भेल मूल्य वृद्धि के कारण निर्माण के काज सब नहीं कैल जा सकत कहत निर्माण होलीडे शुरू कलक। पिछला किछ समय से निर्माण सामग्री में भेल अत्यधिक मूल्य वृद्धि सार्वजनिक खरीद नियमावली के 11वें संशोधन के किछ त्रुटिपूर्ण बुंदा बीमा निर्देशिका 2078 के प्रावधान सहितक कारण सबसे समस्या में पड़ गेल महासंघ जनौलक। विरोध के कारण करीब 3500 आयोजना के काज सब रुकल। निर्माण उद्योग धराशायी भेलाक पश्चात समग्र अर्थतंत्र में नकारात्मक असर पड़ रहलाक कारण अविलंब समस्या समाधान करबाक हेतु महासंघ सरकार से मांग कलक। यो मूल्य वृद्धि लगभग 65% इसको इंपैक्ट पड़े। हामीले नेपाल सरकारलाई के भन्छ एउटा निर्णयमा जानु पर्यो या त हामीलाई मूल्य वृद्धि मार्ग निर्देशिका भाग दुई जारी गरिदिनु पर्यो। यस्तै गरेर मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि 2065 सालमा मूल्य वृद्धि निर्देशिका भाग एक जारी भएको थियो। अब अहिले पनि त्यस्तै स्थिति पैदा भएको छ र सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो मूल्य वृद्धि निर्देशिका जारी गरेर हामीलाई या त काम लाउनु पर्यो। महत्वपूर्ण आयोजना के रूप में रहल करीब 1500 के काज हाल जारी रहल। काठमांडू उपत्यका में मेलम्ची खाने पानी के वितरण फेर से शुरू कैल गेल। रवि दिन काठमांडू में खाने पानी मंत्री उमाकांत चौधरी एक कार्यक्रम के बीच मेलम्ची खाने पानी के वितरण फेर से शुरू कलन। मेलम्ची खाने पानी 2077 साल चैतक दोसर हफ्ता से काठमांडू उपत्यका में वितरण शुरू भेलाक बादो 2078 अखार 1 गते मेलम्ची नदी में आयल बाढ़ तथा भूस्खलन के कारण खाने पानी आयोजना के संरचना में क्षति पहुँचलाक बाद खाने पानी वितरण कार्य बंद भेल छल। मेलम्ची खाने पानी के वितरण फेर से शुरू भेलाक बाद आब प्रतिदिन 17 करोड़ लीटर खाने पानी उपत्यका में वितरण कैल जायत खाने पानी मंत्रालय जनौलक। आब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंक सोम दिन के लेल विदेशी मुद्रा के विनिमय दर तय कलक। राष्ट्र बैंक के अनुसार अमेरिकी $1 के खरीद दर 122.08 रुपया आ बिक्री दर 122.68 रुपया रहल। तहिना यूरो 1 के खरीद दर 131.79 रुपया आ बिक्री दर 132.43 रुपया रहल। बेलायती पाउंड 1 के खरीद दर 156.74 रुपया आ बिक्री दर 157.51 रुपया रहल। कतारी रियाल के मूल्य 1 के खरीद दर 33.33 रुपया आ बिक्री दर 33.49 रुपया रहल। राष्ट्र बैंक जनौलक। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। आप खेलकूद समाचार। मुंबई इंडियंस इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल T20 क्रिकेट में लगातार 8वें हार के सामना कलक। रवि दिन रात में भेल खेल में लखनऊ सुपर जॉइंट संगे 36 रन से पराजित होत मुंबई लगातार 8वें हार के सामना कलक। लखनऊ द्वारा देल गेल 169 रन के लक्ष्य के फॉलो करैत मुंबई 20 ओवर में 8 विकेट के क्षति में 132 रन मात्र बनाव सकल। मुंबई के लेल कप्तान रोहित शर्मा 39 रन बनौलन। एही से पहिने बैटिंग करनिहार लखनऊ 20 ओवर में 6 विकेट के क्षति में 168 रन जोड़लक छल। लखनऊ के कप्तान KL राहुल अविजित रहत 103 रन के शतकीय इनिंग खेलन। एही संगे जारी सीजन में लखनऊ 5वें जीत हासिल कलक। लखनऊ 8 खेल में 10 अंक जोड़लक। मुंबई 8 खेल में अंक विहीन रहे तालिका के अंतिम मैच। एही सीजन में मुंबई जीत विहीन रह वाला एसगर टोली छी। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर से एक बेर।
आई सातौं भूकंप स्मृति दिवस देशभर विविध चेतनामूलक कार्यक्रम का मनाओल जा रहा है। आब वाला विश्वास तीस गति हो जा रहा है। स्थानीय तो निर्वाचन के लिए आई सी मनोनयन दर्ता है जारी। उम्मीदवार के नामावली आज हुए कल जात प्रकाशन। निर्माण सामग्री में भेल मूल्य वृद्धि के कारण निर्माण व्यवसाय महासंघ द्वारा कल गए निर्माण होली जे जारी। अविलंब समस्या समाधान करो के लिए महासंघ के लक्मा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने इमैनुएल मैक्रों फिर से भलाई निर्वाचित। अनुमान से बेसी मत प्राप्त करे में भलाई सफल। आ इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 20 क्रिकेट में मुंबई इंडियंस के भेल लगातार आठम हार। एखन के लिए मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamachar.com में सेहो पढ़ देखा सुन सके छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार, हमर सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।